मुंबई मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह समीर कुलकर्णी ने कहा कि कोर्ट में मुंबई ब्लास्ट केस का 19वां गवाह अपने बयान से पलट गया। आज विशेष न्यायालय मुंबई में दर्ज पीटीसी चार्जशीट का विटनेस नंबर 121 ने आज कहा कि वह मालेगांव ब्लास्ट के सिर्फ एक आरोपी को जानता है जिसका नाम प्रसाद पुरोहित है। वो भी इसलिए क्योंकि जब वह पचमढ़ी आर्मी में कार्यरत था तब वह आरोपी उसके बाजू में रहता था, बाकी किसी भी आरोपी को वह नहीं पहचानता, ऐसा विटनेस ने कहा। उसने यह भी कहा कि वो किसी भी अभिनव भारत की मीटिंग में नहीं गया था। उसने कहा कि उसे धमकाया गया था कि अगर वह उन आरोपियों को जानने से इनकार करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आज सम्माननीय विशेष न्यायालय मुंबई में अभियोजन पक्ष का जो एटीएस का जो चार्जशीट था उसमें का 121 नंबर का जो ट्रंकेटेड विटनेस था, जो अभियोजन पक्ष की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेस था, उसने आज भगवान की सौगंध खाकर न्यायालय को बताया कि मैंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था एटीएस को। 6 पन्ने के स्टेटमेंट से वो मुकर गया। उस स्टेटमेंट में 6 आरोपी के नाम थे, उसमें प्रमुख था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर उपाध्याय समीर कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, सुधाकर चतुर्वेदी। इन 6 आरोपियों में से मैं केवल और केवल प्रसाद पुरोहित पचपड़ी में जब मैं आर्मी में ड्यूटी करता था तो मेरे बगल में रहता था, इसलिए मैं उसको पहचानता हूँ। बाकी किसी आरोपी को मैं कभी मिला नहीं, ना मैं उनको पहचानता हूँ, ना ही मैं कभी अभिनव भारत की किसी मीटिंग में गया। ये भी आज उसने भगवान की सौगंध खाकर कहा। साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने जब उनसे सवाल किया तो उसने कहा कि एटीएस के अधिकारियों ने मुझे प्रेशर दिया, मुझे हैरेसमेंट किया कि मैं अगर उनके मुताबिक अगर स्टेटमेंट नहीं देता हूँ तो तुमको ऑर्थर्ड जेल में हम तेरे को डालेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, ऐसा उसने आज भगवान की सौगंध खाकर कहा। ये अभियोजन पक्ष का 19वां साक्षीदार आज होस्टाइल डिक्लेयर किया है स्पेशल एनआई कोर्ट ने। एक ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर के साथ उस वक्त की एटीएस मुंबई इस तरह का जुल्म कर सकती है, अपनी मनमानी कर सकती है, तो हम जैसे भारतीय नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा आप सोच सकते हैं। 13 वर्ष हो गए जिस झूठे स्टेटमेंट की वजह से हमको वर्षों जेल में रखा गया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, आज कंटिन्यूसली 19वां साक्षीदार कहता है कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, हम किसी को जानते नहीं है, ना किसी उपक्रम में या किसी मीटिंग में मिले हैं। तो उस वक्त का जो यूपीए गवर्नमेंट है, उस वक्त का जो पुलिस है, जो पपेट था यूपीए गवर्नमेंट का, उनका कच्चा चिट्ठा आज न्यायालय में खुला है। लेकिन उसके लिए हमें 13 वर्ष राह देखनी पड़ी है। एक आर्मी ऑफिसर, एक कर्नल, ऑन ड्यूटी कर्नल के साथ एटीएस ने ऐसा बर्ताव किया है।